जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कार्तिक मास का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्मा श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, फिर भी चूंकि आपने पूछा है इसलिए इसको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। साक्षतु ब्रह्मवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शेष पर्वत शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। हुए भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि प्रभु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की वार्यव्रता को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने ब्रह्मा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि ब्रह्मा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुष्प कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाई ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय ब्रह्मा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाई ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर ब्रह्मा बोली, जहां अपूज्यो की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाई ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा के साप को सुनकर गायत्री क्रोध में आग बबूला होकर अपने ओठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर ब्रह्मा को साप दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पत के उसी प्रकार मेरे भी पत हैं। तुमने व्यर्थ ही साप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो साप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये साप तुमने बिना विचार कर दिया है, इसलिए ये साप तुम वापस ले लो। ब्रह्मा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ। मेरा ये साप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी।
नारद जी राजा प्रतु से बोले, हे राजन, विरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर से अंश से बेड़ी तथा ब्रह्मा के अंश से ककुंदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और वराह दोनों पश्चिम की ओर बहने लगीं वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और बेड़ी नदी की उत्पन्नी का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, नदियों की जय। कार्तिक मास का 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज प्रथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए महाकार्तिक और एकादशी ये तीन व्रत मुझे अति प्रिय हैं। वनस्पति में तुलसी महीनों में कार्तिक तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इनकी सेवा करते हैं मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अति प्रिय है जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है ये आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश ग्रास तथा कुलों की दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता और ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संघर्ष न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संघर्ष से पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्रास ग्रास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पतल लांगता है वह उसे
अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो भी व्यक्ति बातचीत करता है वह उसे छूता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उसमें धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उनको क्षण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। भिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के पश्चात का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता का पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीव का देने वाला मनुष्य जीव का ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप का पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया जाएगा। जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय।